मच्छा क्यों नहीं तू? आज नहीं, आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया। गाइस आज भोला मई को वर्ल्ड वाइड इंडिया सिनेमा में रिलीज हुए 16 दिन कंप्लीट हो चुके, 17वां दिन स्टार्ट हो चुका। बात करेंगे भोला मई डे 1 से लेकर डे 16 इंडिया और वर्ल्ड वाइड से कितना कलेक्शन कर चुकी है। गाइस भोला मई ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ा कलेक्शन कर लिया है। और गाइस भोला मई ने तेलुगु इंडस्ट्री की दशहरा मई को भी बेट कर दिया है। जैसे कि आपको पता है भोला और दशहरा दोनों मूवी 30 मार्च को रिलीज हुई थी। गाइस अगर बात करें भोला मई ने 14 दिनों के अंदर इंडिया से 76 करोड़ 49 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया था। कुल मिला के इंडिया से वर्ल्ड वाइड से 102 करोड़ का कलेक्शन किया था। ओवरसीज ग्रास में बाहर की कंट्री से भोला मई ने 13 करोड़ 66 लाख का कलेक्शन कर लिया था। भोला मई ने सैटरडे संडे को काफ़ी मैसिव जंप लिया था। मंडे को भोला की कमाई में थोड़ा सा कमी देखने को मिला, ट्यूजडे और वेडनेस को फिर कमी देखने को मिला। लेकिन गाइस अगर बात करें भोला मई का थर्सडे का 15वें दिन का काफ़ी बॉक्स मैसिव लगा। अजय देवगन को दिल से प्यार करते हो, इस वीडियो को भी दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस अगर बात करें भोला मई ने 15वें दिन इंडिया से 1 करोड़ 55 लाख रुपये का कलेक्शन करके इंडिया से कुल मिला के 78 करोड़ 49 लाख रुपये का कलेक्शन, लगभग भोला मई इंडिया से 1.80 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। और इंडियन जो ग्रॉस है वो 93 करोड़ हो चुका है। और गाइस भोला मई ने 15 दिनों के अंदर इंडिया और वर्ल्ड वाइड से 105 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। गाइस भोला मई ने लगभग अपना बजट कंप्लीट कर लिया है। गाइस भोला मई का बजट 100 करोड़ था। गाइस अगर बात करें भोला मई सुपर हिट होगी, ब्लॉकबास्टर होगी या एवरेज होगी या फ्लॉप होगी, तो गाइस बॉक्स ऑफिस के कहने में भोला मई फ्लॉप हो सकती है। लेकिन गाइस आप लोग कॉमेंट से भोला मई सुपर हिट होगी या एवरेज होगी, और मेरे ओपिनियन में भोला मई एवरेज मूवी रहने वाली है। गाइस अगर बात करें भोला मई का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो सबसे ज्यादा भोला मई का जो कलेक्शन वो हिंदी बैल्ट में हुआ है। तेमी तक और मलयालम से भोला मई को 1 रुपये का भी कलेक्शन नहीं हुआ। गाइस अगर बात करें भोला मई ओवरसीज ग्रास में 1.66 मिलियन US डॉलर कमा लिए। मैं बात करें भोला मई ने दशहरा मई को भी बीट कर दिया है। भोला मई 16वें दिन इंडिया से काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया है। गाइस अगर बात करें दशहरा मई का जो बजट था वो 65 करोड़ था। दशहरा मई ने पहले दिन 23 करोड़ का ओपनिंग लिया था, जबकि भोला मई ने 100 करोड़ के बजट के साथ पहले दिन में 11 करोड़ का ओपनिंग लिया था। गाइस शुरू में दशहरा मई के जो फॉलोवर्स जिन्होंने भोला मई को तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बीट किया कि भोला मई ने दशहरा मई ने भोला खुरा दिया, ये कर दिया, वो आप लोग देख सकते हो। भोला मई के जो 15 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 78 करोड़ 81 करोड़ के करीब। वहीं बात करें दशहरा मई का जो 15 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो केवल 77 करोड़ है। तो गाइज भोला मई दशहरा मूवी से 1 या 1.5 करोड़ से आगे जा चुकी है। और गाइज 100% भोला मई ने दशहरा को बीट कर दिया है। अगर बात करें सब लोगों ने अजय देवगन की भोला मई की तारीफ की, किसी भी बंदे ने भोला मई को हेट नहीं किया। और गाइज स्टार्ट में दशहरा मूवी ने पहले 2-3 दिन के अंदर काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था, लेकिन डे बाय डे दशहरा मूवी की कलेक्शन में आपको बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जबकि भोला मई की जो कलेक्शन अभी भी स्टेबल है। मेरे ख्याल में भोला मई लाइफ टाइम इंडिया से 100 करोड़ का आंकड़े को क्रॉस कर सकती है। 100% वर्ल्ड वाइड से ये मूवी 150 से लेकर 200 करोड़ का कलेक्शन भी कर सकती है। अजय देवगन की नेक्स्ट मूवी मैदान ने यूट्यूब पर पठान मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब पठान मूवी का पहला टेस्ट यूट्यूब पर रिलीज हुआ था 24 घंटों के अंदर 17 मिलियन व्यूज आए थे, जबकि अजय देवगन की नेक्स्ट मूवी मैदान को 24 घंटे के अंदर 29 मिलियन व्यूज़ आए, जो कि संजू साहू भरत पठान मूवी के रिकॉर्ड से आदिशपुर मूवी के 24 घंटे 68 मिलियन व्यूज़ आए थे। अजय देवगन की नेक्स्ट मूवी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा सकती है। वैसे कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना अपकमिंग मूवीज़ आपको पता, जवान आ रही है, आदिशपुर आ रही है, किसी का भाई किसी की जान आ रही है, मैदान आ रही है, अजय देवगन की मूवी, इन चारों मूवीज़ में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे अगर बात करें भोला मूवी 16 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड से 110 करोड़ का भी कलेक्शन कर सकती है। 16वें दिन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट नहीं है, वो कल आएगा, और 17वें दिन का भी कल आएगा। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बरो आज के लिए इतने में आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री।